नमस्ते बच्चों, आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता दवे, आपकी हिंदी की अध्यापिका, और आज हम फिर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं पाठ 18, जो कि हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 18वां पाठ है और कक्षा 8। और ये बच्चों हमारा आखिरी पाठ है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का, जो हमारी हिंदी फर्स्ट बुक कहलाती है, उसका सबसे लास्ट लेसन है पाठ 18वां, जो हम पढ़ेंगे टोपी के रूप में। उसका जो नाम है वो है टोपी, और उसके जो लेखक है वो है श्रृंजय, ठीक है, आजकल के आधुनिक लेखक है, और वह बड़ी अच्छी ही कहानियां, रोचक कहानियां लिखते हैं। ये जो कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी है, एक रोचक कहानी है बच्चों, जिसके अंदर हमें सुनने और पढ़ाने में और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। पहले आप यहाँ देख रहे होंगे एक चित्र, जो ये चित्र है, पहले तो मैं बताऊंगी ये जो कहानी किससे संबंध रखती है। तो ये जो कहानी है वो आजकल जो पहले जो राजा लोग थे, वो प्रजा से, जब प्रजा उनसे संतुष्ट नहीं होती थी, तो उसको ये इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। पर बच्चों राजा तो बहुत आखिर में आएगा, पूरी जो कहानी घूमती है वो इन दो के बीच में घूमती है। ये है हमारी गौरैया और ये है हमारा गवरा, यानी कि गौरैया यानी एक पक्षी है, और ये दोनों का जोड़ा है, गवरा यानी नर गौरैया है, दोनों इंग्लिश में अगर आप समझे मेल है फीमेल दोनों, तो ये दोनों पक्षी जो है बड़े आराम से घूमते हैं, कुछ भी साथ में घूमते हैं, साथ में जाते हैं। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है, आप ये चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे, यहाँ पे काफी सारे पात्र आएंगे, ये हमारे सारे पात्र हैं कहानी के बच्चों, दुनिया, पौरी, बुनकर, दर्जी। मैं इनका आप समझाते हुए जैसे जैसे इनकी भूमिका आएगी वैसे वैसे मैं आपको आगे हम बढ़ेंगे समझाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये चिड़िया है हमारी, गौरैया है, इसने एक टोपी पहन ली है, तो सारी जो कहानी है वो टोपी पे आधारित है। अब यहाँ पे हमारी कहानी हम शुरू करते हैं। पहले जो ये नर गौरैया होता है, ये बैठा है यहाँ पे, ये गौरैया को कहता है कि भाई देखो आजकल के जो लोग हैं कैसे लोग हैं, कपड़े पहनते हैं, कपड़ों से जो सुंदरता होती है वो ढक जाती है। ये दोनों पेड़ पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि भाई ज्यादा जो हाथ है वो भी वो आजकल दस्ताने से ढक लेते हैं, बच्चे पूछे किसी के घुंघराले बाल है उस पर भी टोपी लगा लेते हैं। सब ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि भगवान ने जो सुंदरता दी है उसको भी वो लोग ढक देते हैं। जितने भी चिड़िया बोलती है कि भाई कारण होता होगा गर्मी से सर्दी से बचने के लिए कपड़े पहने जाते हैं, तो ये बोलती है कि नहीं मुझे तो ये जो ये गौरैया होती है बोलती है कि मुझे तो ये जो कपड़े पहनते हैं ना रंग बिरंगे लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, इंसान कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, सर्दी से गर्मी से उनका बचाव होता है। तो ये इसके पक्ष में होती है, पर ये बोलता है कि नहीं मान लो तुम अभी बैठी हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बिना कपड़े के भी अच्छी लग रही हो, तुम्हारे पंख उठते हुए मैं देखता हूँ, अभी तुम कपड़े पहन के बैठ जाओ ढक जाओ तो मुझे क्या पता चले कि तुम कौन बैठी हो, या तुम्हारे जो पंखों को सुनहरे पंख है वो मैं नहीं देख पाऊंगा। और यहाँ पे इन दोनों की आपस में बातचीत चल रही होती है, देखिए दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जितने में क्या होता है कि बात चलती है कि टोपी के ऊपर की, वो जो घुंघराली टोपी वो लोग ढक लेते हैं मार। अब यहाँ पे इच्छा जाहिर करती है गौरैया कि मुझे भी ना, पहला पॉइंट गौरैया की इच्छा कि भाई मुझे भी एक टोपी पहननी है। ये तो समझदार होता है, पर जो गौरैया होती है वो थोड़ी सी जिद्दी होती है, वो कहता है कि भाई गौरा इसको कहता है कि भाई तुम जिद मत करो, टोपियां वस्त्र जो है इंसान पहनते हैं उनको ही पहनने दो, हम नहीं पहनेंगे। वो कहते नहीं मेरी इच्छा है, कहते टोपी तो राजा पहनते हैं, बड़े बड़े राजा, और टोपियों के पीछे तो कितनी सारी शासन जो है उलट फेर हो गए, एक टोपी बचाने के चक्कर में लोग पता नहीं कितनों को टोपियां पहना देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने कई सारे मुहावरे पढ़ लिए, टोपियां पहनाना हम व्याकरण साथ लेते हुए चलते हैं, टोपी के पीछे तख्त उलटना, तख्त उलटना यानी शासन बदल जाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ देखी, ये काफी समझाने की कोशिश करता है इसको, परंतु ये बिल्कुल नहीं मानती। ये कहती है गौरैया कि नहीं मुझे तो, गौरैया कहती है मुझे तो टोपी पहननी है। ऐसे करते करते दोनों में आपस में बहस होती रहती है, रात हो जाती है, वापिस दिन होता है, इनका जो रोज का काम होता है दारा चुगने का, तो वो एक खेत में जाते हैं और वहां जाके देखते हैं, काफी सारा दरा वर्ड आएगा आपके उसमें वो पाठ्य पुस्तक में, वो पढ़ा
उसके बीच में उसको एक क्या मिलती है, रुई मिलती है। रुई किसको मिलती है? गौरैया को। और गौरैया बड़ी खुश होकर नाचने लग जाती है, अरे वाह मुझे रुई मिली, मुझे रुई मिली, अब तो मैं इसकी टोपी बनाऊंगी, टोपी बनाऊंगी। ये बोलता है कि तुम बहुत जिद्दी हो, कैसे बनाओगी टोपी? कहते तुम देखते रहो, मेरे साथ चलते रहो। अब बच्चों कहानी यहां से आ रही होगी, कहानी तो वैसे शुरू हो गई थी, अब वो कहानी शुरू हुई है कि इन सब चीजों से टोपी का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, टोपी कैसे बनी। गौरैया को जो रुई का फार्म देख, बड़ा सा फार्म मिलता है उसको, वो उसको मुंह में चोंच लगती तो हल्की होती है, उसको दबाई जाती है और कहां जाती है? दुनिया के पास। अब दुनिया कौन होता है बच्चों? जो रुई को धुनता है, काटता है, ठीक है, मतलब रुई को जो एकदम शार्प कर देता है, फूल की रजाई और गिद्दे बनाने लायक कर देता है, उसे हम कहते हैं दुनिया। तो वो उसके पास जाके उसके ऊपर बैठ जाती है, वो बड़ा बजर बुजुर्ग सा होता है, उसकी चमड़ी और ऐसे ऐसे जवाब देने वाली होती है। वो इन दोनों को कहता है कि आप के बैठे हैं, इसलिए इनको कहता है क्यों आए हो यहाँ पे? कहती है दुनिया महाराज, दुनिया महाराज मेरी रुई भी धुन दो ना। तो वो चिड़िया को कहता है आगे तुम, आगे तो यहाँ का राजा ऐसा है, मैंने आपको शुरू में कहा था पाठ के आरंभ में कि यहाँ पे राजा की जब प्रजा खुश नहीं होती उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ का जो राजा है वो आगे तो ऐसा है, बिना पैसे के मेरे को रुई धुना रहा है, आगे सर्दियां आ गई है, मुझे उनके लिए रजाएं क्या करनी है, ऊपर से तुम आगे काम करने के लिए जाओ यहाँ से। तो वो बोलती है हम कोई भी काम मुफ्त में नहीं कराते भाई, मैं पूरे तुम्हारा मेहनता ना दूंगी। ये बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि मेहनता मैं ये कैसे देगी। ये बोलती है जो मैं रुई का फाया लाई इतना बड़ा, उसमें से तुम रुई ढूंढ दो, आगे मुझे दे दो, आगे तुम रख लो। ये बड़ा खुश होता है कि एकदम आधो हाथ मेहनता ना कौन देता है इसके जमाने में। ये बड़े लगन से, बड़े चाव से, थोड़ी सी तो चिड़िया के लिए कितनी रुई चाहिए या गौरैया के लिए कितनी चाहिए पक्षी के, वो उसके लिए बड़े आराम से ढूंढता है कि अब वो धुन को उसको दे देता है। अब वो किसके पास जाती है? ये देखिए अब वो जाती है कोरी के पास। अब यहाँ पे जाती है उसके पास, कोरी कौन होता है? सूत काटने वाला। अब जब रुई ढूंढ गई तो कपड़े के लिए बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सूत, सूत काटना पड़ता है। तो वो उसके पास जाती है और बोलती है कोरी भैया, कोरी भैया मेरी जो मैं रुई को धुना के एकदम शार्प करके फुला के लाई हूँ, इसका सूत काट दो ताकि मैं कपड़ा बनाऊंगी। तो वो बोलते अब आगे तो मुझे तंग करने, अब यहां भी वो राजा का काम कर रहा होता है। वो बोलता है मुझे तो राजा के लिए जो रजाया के लिए वो रुई तैयार कर रहा है, उसके लिए मुझे रजाई और के लिए सूत काट के तैयार करना है और मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ यहां से, आगे वो मुफ्त का काम करा रहे हैं। अब राजा है तो मना नहीं कर सकता, नहीं तो वो मुझे हत्या कर देंगे, कुछ भी मार देंगे या दंड देंगे। तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं कोई मुफ्त में काम नहीं कराती। जो वो इसको जवाब देती है वो इसी को देती है कि कौरी भैया ऐसे करना, बढ़िया सा सूत बना के काट के कपड़ा तैयार करो और फिर इससे तुम क्या है आधा तुम रख लेना, आधा मुझे दे देना, मुझे तो टोपी बनानी है छोटी सी, उसमें कितना चाहिए। ये बड़ा खुश होता है कि तो आप भागीदार किसको, आजकल के जमाने में आमदनी प्यारी नहीं है, वो भी घर बैठे। तो ये कहते हैं हाँ लाओ लाओ देखते है, तो अरे वाह ये तो ढूंढा हुआ भी अच्छा है। वो बड़े प्यार से, लगन से, बड़े आराम से, क्योंकि मेहनता भी मिल रहा होता है, वो उसकी बड़ा आराम से सूत काट के कोरी उसके लिए तैयार कर देता है और उसको कपड़ा दे देता है। ये तीन तो हमारे पूरे हो गए। आगे वो जाती है बुनकर के पास। बुनकर कौन होता है? जो कपड़े को बुनकर तैयार करता है। वो वहां जाती है और बोलती है, इसके छत पे बैठ जाती है, बुनकर भैया, बुनकर भैया मेरे लिए जो मैं कपड़ा लाई हूँ सूत काट के, इसको तुम एक बढ़िया सा कपड़े को बुन के तैयार कर दो। मतलब अभी तो सूत कटा हुआ है, धागा है उसका, उनको आप इकट्ठा करके बढ़िया सा एक कपड़ा तैयार करो जिससे मेरी छोटी सी टोपी बन जाए। वो बोलता है जाओ जाओ। वो भी ये बोलता है कि मेरे को समय नहीं है। और समय क्यों नहीं है? वो बोलता है कि राजा की 9 रानियों के बाद जो 10वीं रानी है, 9वीं रानी जो है, 10वीं रानी, उसके अभी तक 9 रानियों की बेटियां ही बेटियां थी, 10वीं रानी की अभी एक बेटा हुआ है, तो राजा के जो लड़का हुआ है उसके लिए मुझे वस्त्र बनाने के लिए कपड़े तैयार करने हैं, तो मैं जपे और बनाने के लिए उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो मेरे पास अभी समय नहीं है, नहीं तो राजा मुझे धन देगा और आमदनी कुछ नहीं, राजा दे कुछ नहीं रहा। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि राजा से ये सब परेशान थे, राजा उनको उनकी मेहनत के मामूली रूप में देख के काम करवाता था, कई लोगों को तो वो भी नहीं देता था, अपने राजा का रौब दिखा के काम करवाता था। तो वो कहती है कि भाई मुझे तो आप सिर्फ
मुफ्त में काम नहीं करना, मैं आपको आपके कपड़े का आधा कपड़ा जो आप तैयार करोगे ना वो दो टोपियां बना देगा आप, दो टोपी के जितना कपड़ा बनाओ आधी टोपी का कपड़ा आप रख लेना, आधी टोपी का कपड़ा मैं रखूंगी। ये बड़ा खुश होता है कि अरे वाह इतना अच्छा सूट काटा हुआ। अब जब काम का जब बच्चों दाम अच्छे मिले ना तो काम बड़े लगन से होता है, इसने भी बड़े लगन से दुनिया ने दुना दुनिया के बाद कोरी के पास उसने बड़े आराम से सूट काटा क्योंकि उसको पैसे मिल रहे थे और वो भी बराबर बराबर चीज मिल रही थी। बुनकर ने बड़े आराम से कपड़ा तैयार किया और उसके लिए चिड़िया ने कितना चाहिए सर 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 उसकी मशीन चल पड़ी और कपड़ा तैयार हो गया। कपड़ा तैयार हो गया उसने अपने चोंच में दबा लिया। गौरैया जो थी वो हर जगह गौरा को साथ में लेके जाती, दोनों हर जगह साथ में रहते थे, भले दाना चुगना हो ये उनका पूरा रूप से साथ रहते थे। बड़े खुश हो गए। अब वो लास्ट में पहुंचे किसके पास, किसके पास जाते हैं बच्चों, दर्जी के पास। हमें कुछ भी कपड़े सिलाने होते हैं, आप लोगों को भी सिलाने होते हैं, मान लो बुशर्ट सिलाने हैं, पैंट सिलानी है, आप किसके पास जाते हैं, आप बाजार से लेते हैं और सीधा दर्जी के पास जाते हैं, वो भी दर्जी के पास जाते हैं। दर्जी के पास जाकर बोलती है कि दर्जी भैया मेरे लिए टोपी सिल दो ना, मैं इतना अच्छा कपड़ा तैयार करा के लाई हूँ। ये बोल रहा है कि भाई जाओ जाओ, मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे राजा के लड़का हुआ है जिसके लिए वो कपड़ा तैयार कर रहा था, कौन सूत बुनकर, बुन के कपड़े को जो सूत कटा हुआ है उससे, और वो किसको दे रहा था, दर्जी को, क्योंकि राजा ने कहा था कि यहाँ का जो दर्जी है सबसे अच्छा दर्जी है उसके पास जाओ और मेरे बच्चे के लिए कपड़े सिलने के लिए उसको दे दो। तो ये उसके लिए जब्बे तैयार कर रहा था, बना रहा था, जो राजा का लड़का है उसके लिए, कहते राजा तो कुछ आमदनी देता नहीं है, नहीं के बराबर देता है और इस बुरी अवस्था में मुझे सारा काम करना पड़ता है, जाओ उठ जाओ यहाँ से, मैं नहीं करता तुम्हारा, उसको भगा रहा होता है। वो बोलते हैं नहीं नहीं हम मुफ्त में नहीं कराएंगे राजा की तरह, हम तो आपके बराबर दाम देंगे, ये जो मैं कपड़ा बना के लाई हूँ इससे दो टोपियां बनाओ, एक टोपी तुम रख लो एक टोपी मुझे दे दो। ये बड़ा खुश होता है, बड़ा आश्चर्य करता है कि इतनी सी चिड़िया है वो भी मुझे, या इतनी सी गौरैया है जो गबरा है वो भी मुझे बराबर आमदनी दे रहा है, कोई भी नहीं देता बराबर आमदनी, राजा तो बिल्कुल ही नहीं दे रहा। तो वो बड़े चाव से राजा का मैं एक तरफ रखती है कि भैया छोटी सी टोपी बनाने में क्या समय लगता है, दो टोपी बना लेता हूँ मेरे भी किसी छोटे बच्चे के काम आ जाए, और वो टोपी बना लेता है दो। अब जब वो बड़े चाव से बनाता है, चाव मतलब होता है बड़ी खुशी से इच्छा से, वो क्या करता है बच्चों देखो ये फूंदे लगे हुए, ये देखो इसमें जो टोपी पहनी है ना ये देखो इसमें फूंदे लगे हुए एक दो तीन चार, वो इसमें बड़े से फूंदेदार टोपी बनाता है और उसकी चारों ओर बना के उसको पहना देता है। जब फूंदे लगती टोपी देता है तो वो बड़ी खुश होती है, वो कहती है अरे वाह अभी तो फूंदे भी लगा दिए, तो वो कहती है हाँ लो एक टोपी तुम्हारी, और उसको चिड़िया को पहना देता है। अब चिड़िया तो बस उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे होते, ये भी एक मुहावरा है बच्चों, और बड़ी नाच रही होती है कि अरे वाह मैंने टोपी पहनी मैंने टोपी पहनी। और ये जो गबरा होता है वो उसको कहता है आज तो तुम पूरी रानी लग रही हो। वो क्या बोलता है, बोलती है कि रानी नहीं मैं राजा लग रही हूँ, क्योंकि रानी टोपी नहीं पहनती राजा टोपी पहनते हैं, तो मैं राजा हूँ और अभी हम चलो देखते हैं यहाँ के राजा क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन सब पात्रों ने राजा की बुराई की थी। तो वो दोनों भाई ये तो गबरे गबरे आए कहीं भी उठ सकते हैं, इनके लिए कोई राजा का महल के पाबंदी नहीं है, कोई सिपाही इनको नहीं रोक सकते। तो ये राजा के महल पे जाके पहुंचती है, वहां क्या देखती है बच्चों कि राजा जो है गंजा है और आराम से लेटा हुआ है और अब तेल मालिश करा रहा है अपने सेवकों से, और वो देख के बड़ी हंसती है। पहले तो उसको राजा गंजा दिखता है और फिर वो बोलती है कि मेरे सर पे टोपी राजा के सर पे नहीं, राजा की सर पे टोपी नहीं, मेरे सर पे टोपी इतनी सुंदर टोपी, और नाचने लग जाती है। राजा जब सुनता है वो देखता है सही में उसकी नजर पड़ती है कि इतनी सुंदर टोपी पहनी है इसने, और वो बड़ा आश्चर्य आता है उसको। वो जल्दी से उठ के बैठता है और अपने सेवकों को कहता है जाओ मेरी टोपी लेके आओ, वो टोपी लेके आता है और अपने फटाफट पहले तो सर ढकता है क्योंकि उसका सर गंजा होता है, और फिर भी वो गाली होती है कि मेरी टोपी राजा से अच्छी, मेरी टोपी राजा से अच्छी। वो देखता है सही राजा से अच्छी, वो राजा को बड़ा तंग कर रही होती है। वो सेवकों को कहता है जाओ इसको है ना तीर से नीचे गिरा दो इसकी टोपी को और इसको भी मार दो। तो सबसे पहले तीर से उसकी टोपी को नीचे गिराया जाता है और वो लेके राजा के पास आ जाते हैं सेवक। वो बड़ी उदास हो जाती है, पर ये बड़ी मुंहफट होती है, बोलने में बहुत तगड़ी होती है। वो लेके आते हैं उसके पास, तेज होती है बहुत। तो जैसे ही टोपी उसके पास लेके आते हैं तो वो चिल्लाती है कि राजा तो इन सबकी पोल खोल देती है,
मुफ्त में काम कराता है, मेरी टोपी ले ली, राजा ऐसा है, राजा वैसा है, राजा के को राजा तो इतना गरीब है कि चिड़िया की टोपी भी चोरी कर ली, उसके कोष में धन ही नहीं है। अब राजा अंदर ही अंदर सोचता है, अरे बाप रे, इसको कैसे पता चला कि मेरे पास धन नहीं है। वो तो इसलिए बोलती है कि जब इन्हीं को तुम पैसे नहीं दे रहे हो जिससे काम करा रहे हो, तो मेरी टोपी का इसलिए पता है, ये तो गरीब राजा है, छोटी सी चिड़िया की टोपी भी ले ली, ये तो ऐसा राजा है, इसके पास कोष भी नहीं है, ये तो भिखारी है, इसे तो मैं अच्छी। अब उसको गुस्सा आता है, तुम्हें यहाँ पे देखो कुछ मैंने लिखा है, राजा तीसरा जो पात्र है उसके बाद एक मंत्री होता है, वो थोड़ा सा समझदार होता है, वो उस राजा को सलाह देता है, भाई तुम ये बड़ी मुंहफट है गोरैया, तुम इसकी टोपी वापस कर दो, पता नहीं क्या क्या पुल खोलेगी, आगे तो पुल खोल दिए, धन नहीं है, चुपचाप दे दो टोपी। वो उसको ऐसे फेंकता है टोपी वापिस, तो उसके सिर पे जाके बैठ जाती है, अब वापिस नाचने लग जाती है, पर चुप नहीं रहती, वो नाच नाच के बोलती है, देखो राजा मुझसे डर गया, देखो राजा मुझसे डर गया, और टोपी मुझे वापिस दे दी, ऐसे नहीं कि टोपी मिलके चुपचाप चली जाए। अभी भी वो उसको सुना रही है, देखो राजा डर गया, इतने बड़ा देश का राजा, यानी ये डरपोक भी है, ये कायर भी है, और बड़े गाती गाती कहती है, ये तो मुझसे डर गया और मेरी टोपी मुझे वापिस दे दी। तो बच्चों ये है कहानी टोपी की, ये देखो पूरी कहानी में देखो कि कितनी निडर करके इसको बताया, इच्छा जागृत भी वो बताया, टोपी के पीछे जो शासन, हम थोड़ा सा इसको वापस पीछे से कारण को समझ लेते हैं कि आज हमने कहानी में क्या क्या पढ़ा, मुख्य रूप से कि टोपी के पीछे शासन जो उलटते वो बताया, कई सारे मैंने मुहावरों का प्रयोग किया जिनका आपको अर्थ बताया, यहाँ पे किस तरह से राजा प्रजा को तंग करते हैं, प्रजा जब खुश नहीं होगी और उनको जब उनके अच्छे दाम मिल जाते हैं। अब जो आपके कोई उदाहरण दूं, अगर आपको कोई टीचर मार्क्स अच्छे देती है और साथ में गुड एक्सीलेंट और लिखती है, तो आप अगली बार क्या करते हैं, और अच्छा काम करते हैं, और कोई टीचर कुछ नहीं देती, खाली साइन मार देती है या खाली राइट कर देती है, गलतियां गलतियां निकालती है, आपको अप्रिशिएट नहीं करती, तो आप क्या करती है। तो वही चीज यहाँ पर आई है। तो ये कहानी बड़ी रोचक कहानी है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए नमस्ते, धन्यवाद।